यामिनी हैरानी के साथ पूछती है, जाना है पर कहाँ? अभिमन्यु यामिनी के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना नाटकीय ढंग से बोल पड़ती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं और अभी कुछ वक्त अकेले बिता सके, जहाँ पर हम दोनों के बीच में कोई भी कबाब में हड्डी ना बने। वो क्या है ना, मेरा जोड़ीदार रोमांटिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर मैं तो हूं ना, वो भी तुमसे ज्यादा यामिनी। यामिनी डायना से पलट कर कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना ये कैसी बातें कर रही हो तुम, यहाँ पर हालात इतने खराब हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे कहाँ मजाक सूझ रहा है, अभी शुरुआत तो इस यामिनी ने की थी, तुम इससे कुछ क्यों नहीं बोलते हो, जब देखो बस बात बात पर मुझे ही डांटते रहते हो। अभिमन्यु चुप ही रहता है, वो डायना से पलट कर कुछ बोल ही नहीं पाता है। यामिनी फिर डायना से कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले योग अभिमन्यु से पूछ पड़ता है, तूने बताया नहीं अभिमन्यु तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हम हवेली जा रहे हैं युग। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग और यामिनी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, तुम दोनों हवेली जा रहे हो, पर क्यों, तुम दोनों हवेली जाकर क्या करोगे। यामिनी भी युग के पीछे पीछे ही बोल पड़ती है, हवेली अब बची ही कहाँ है, वो तो उसी रात तबाह हो गई थी जिस रात उस अघोरी ने आक्रमण किया था हवेली पर, वहां पर अब मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा है। अभिमन्यु यामिनी और युग की तरफ देखते हुए कहता है, हवेली भले ही तबाह हो गई हो पर वहां अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी डायना को सख्त जरूरत है। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या है वहां पर ऐसा। डायना युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उस अघोरी की किताब युग, मुझे उस अघोरी की किताब चाहिए। युग मुंह बनाते हुए कहता है, अघोरी की किताब, तुम किस किताब की बात कर रही हो डायना। डायना युग को पूरी बात समझाते हुए कहती है, तुम उस किताब के बारे में कुछ नहीं जानते युग, पर उस अघोरी ने अपने जीते जी एक किताब लिखी थी, एक ऐसी किताब जिसके अंदर कई सारे काले जादू टोने टोटके तंत्र मंत्र की क्रियाओं के बारे में लिखा हुआ है, उसी किताब से तो मुझे पता चला था कि अभिमन्यु को कैसे बचाया जा सकता है। डायना एक लंबी आह भरते हुए अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, युग तुम्हें याद है ग्रेवयार्ड कोठी में अभी ने मुझे उस काले साए से बचाने के लिए एकास्त्र का उपयोग किया था, जिस कारण एकास्त्र के अंदर मौजूद काली शक्तियों से अभी के शरीर को नुकसान हुआ था, उसका शरीर काला पड़ने लग गया था। युग तुरंत बोल पड़ता है, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ डायना, उस एकास्त्र को ही तो यूज करने के बाद अभिमन्यु की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अभिमन्यु मरने की कगार पर आ गया था, वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। डायना फिर युग से बोल पड़ती है, जब तुम कछुआ और कायर के साथ अनुराग अंकल का शरीर लेने के लिए पंचिम गांव गए थे, उसी वक्त हवेली के अंदर ही मेरे हाथ अघोरी की वो किताब लगी थी, उसी किताब के अंदर से मुझे अभिमन्यु को ठीक करने का तोड़ मिला था। यामिनी डायना से पूछती है, वो तोड़ क्या था डायना। डायना चोरी भरी नजरों से अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाती है। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाने लग जाता है, जैसे वो नहीं चाहता हो कि उस रात उसके और डायना के बीच जो भी हुआ हो उसके बारे में युग यामिनी को पता चले। डायना अभिमन्यु का मान रखते हुए कहती है, तोड़ क्या था वो जानकर तुम क्या करोगी यामिनी, अब अभी तो ठीक हो ही गया है ना। यामिनी फिर डायना को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है, पर पलट कर कुछ नहीं कहती है। युग डायना से पूछता है, तुम्हें वो अघोरी की किताब कहाँ से मिल गई थी डायना। डायना कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, वो किताब हाँ याद आया, वो किताब मुझे कछुए के कमरे से मिली थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, कछुए के कमरे से, पर कछुए के पास वो किताब कहाँ से आई होगी। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है कछुए को भी वो किताब हवेली के अंदर से ही मिली हो, आखिर वो हवेली भी तो सघोरी की ही थी ना, तो उसकी किताब उसी की हवेली में मिलना मुमकिन है। यामिनी मुंह बनाते हुए डायना से पूछती है, ये सब तो ठीक है डायना, पर उस अघोरी की किताब की याद तुम्हें अब इस वक्त क्यों आ रही है, तुम्हें वो क्यों चाहिए। डायना यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना यामिनी, उस किताब में कई सारे टोने टोटके तंत्र मंत्र की क्रियाओं के बारे में लिखा हुआ था, उस वक्त मैंने उसमें वशीकरण के बारे में भी पढ़ा था, पर अभी को ठीक करने के तोड़ के बारे में जल्दी से ढूंढने के चक्कर में उस वक्त मैंने वो किताब ढंग से नहीं पढ़ी थी, पर मुझे लगता है कि उस किताब में जरूर उस वशीकरण के बारे में लिखा होगा जो उस काले साए ने कछुए और कायर पर किया है। यामिनी डायना से कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें पहले से ही कई सारे वशीकरण के बारे में पता भी है और उनके तोड़ भी पता है। डायना चिढ़ते हुए कहती है, हाँ यामिनी मैंने कहा था, पर इस बार मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कायर और कछुआ आए और इस बार भी मैं उनका वशीकरण तोड़ ना पाऊं,
इसलिए मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ। वशीकरण के बारे में और भी ज्यादा गहराई से समझना चाहती हूँ। हर वशीकरण का तोड़ पता लगाना चाहती हूँ। अभिमन्यु कहता है, डायना ने तो मुझे उस किताब के बारे में रात में ही बता दिया था और हम लोग सुबह ही निकलने वाले थे किताब ढूंढने के लिए। पर कामेश्वरी जी यज्ञ शुरू करने वाली थी, उस वक्त हम जानते थे कि हमारा तारा के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम नहीं गए। पर अब शाम होने को आई है और हमें उस किताब की सख्त जरूरत है, इसलिए हम वो किताब लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी यज्ञ में हमारा होना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कामेश्वरी जी और तारा का होना जरूरी है। युग डायना और अभिमन्यु की बात को समझते हुए कहता है, अगर वो किताब इतनी ही ज्यादा जरूरी है तो उस किताब को ढूंढने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हवेली वाली जगह पर चलूंगा। यामिनी कहती है, पर युग बाबू। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग बोल पड़ता है, यामिनी हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते। इस बार आर या पार की लड़ाई, और ये तुम भी जानती हो, या तो इस बार वो काला साया रहेगा या फिर हम। यामिनी युग को एकटक देखते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभिमन्यु कहता है, हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए। युग अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर चलो। युग के कदम बढ़ाते ही यामिनी डायना और अभिमन्यु भी युग के साथ हवेली वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहले कभी हवेली खड़ी हुआ करती थी। इस वक्त उनकी आंखों के सामने सिर्फ हवेली का मलबा था। हवेली की बड़ी बड़ी इमारतें उनके सामने गिरी पड़ी थी, पर नोटिस करने वाली बात यह थी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर गिरी थी वो एक तरफ थी और बाकी बारीक मलबा एक तरफ, जैसे वहां पर कोई आया हो और उसने उस मलबे को वहां से हटाने की कोशिश की हो और उसी कोशिश में बड़े बड़े पत्थर एक तरफ कर दिए हो। अंधेरा हो चुका था जिस कारण युग ने पहले ही मशाल जला दी थी जो इस वक्त उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। अभिमन्यु उस जगह को देखते हुए कहता है, कितनी बेमिसाल थी ये हवेली और अब देखो किस तरह टूटकर बिखरी पड़ी है, जैसे पहले यहाँ पर किसी हवेली का वजूद ही ना हो। युग उस जगह को देखते हुए कहता है, हर चीज का एक ना एक दिन अंत होना ही है अभिमन्यु, फिर ये हवेली क्या चीज है। डायना अपने आसपास देखते हुए कहती है, उस रात हवेली तबाह हो जाने के बाद आज पहली बार मैं इस जगह पर आ रही हूँ। युग धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, और मैं दूसरी बार। युग के मुंह से ये बात सुनकर डायना और अभिमन्यु तो शॉक्ड होते हैं, पर यामिनी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, जैसे वो इस बात के बारे में पहले से जानती हो। डायना हैरानी के साथ युग से पूछती है, दूसरी बार से तुम्हारा क्या मतलब है युग। युग अपने हाथ से मलबे की तरफ इशारा करते हुए डायना से कहता है, मतलब ये डायना की हवेली तबाह होने के बाद भी मैं इस जगह पर आया था। ये हवेली के बड़े बड़े टुकड़े देख रही हो जो एक तरफ है, इन्हें मैंने ही साइड किया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, युग तू यहाँ पर आया था और तूने ही इन बड़े मलबे को हटाया है, पर क्यों। युग अभिमन्यु के सवालों के जवाब देते हुए कहता है, मैं इस जगह पर वापस कैसे ना आता अभिमन्यु, तू ही बता। यही तो वो जगह थी जहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा के शव हवेली के ढह जाने के कारण दबकर रह गए थे, और अपनी जान बचाने के चक्कर में उस वक्त हमने उनके शव को यहाँ से निकालना मुनासिब नहीं समझा था। जब तू और डायना ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर चले गए थे तो मैं इस जगह पर यामिनी के साथ वापस आया था उनके शव को निकालने के लिए, ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकूं और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अभिमन्यु और डायना चुप ही रहते हैं। वो दोनों साफ समझ गए थे कि युग जानकी और दिलीप के बारे में बात कर रहा था। युग एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, बड़ी मम्मी ने तो मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार किया था, हमेशा अपने सीने से लगाए रखा था। मेरी ग्रेवयार्ड कोठी में रहने के कारण वो हर वक्त मेरी चिंता में डूबी रहती थी। एक वही तो थी जिन्होंने मुझे अपना माना था। रही बड़े पापा की बात, माना उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना, पर मैंने तो उन्हें अपना बड़ा पापा दिल से माना था ना, तो ऐसे में मैं उन दोनों के शव को यहीं पर दबा हुआ कैसे छोड़ सकता था। मुझे अपना फर्ज निभाना था, बेटा होने का फर्ज, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया था। अभिमन्यु भावुक होते हुए कहता है, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया युग। वो दिलीप अंकल जिन्होंने कभी तुझे अपना खून नहीं समझा, तूने उनके मरने के बाद भी वो काम किया है जो कोई और होता तो नहीं करता। डायना भी बोल पड़ती है, युग तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत नेक इंसान हो। इस वक्त जानकी जी और दिलीप जी जहाँ पर भी होंगे वो जरूर तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे। यामिनी युग को प्यार भरी निगाहों के साथ देखते हुए कहती है, युग बाबू तो है ही नेक इंसान, वो नेक इंसान जो कभी किसी का बुरा ना ही होते हुए देख सकते हैं ना ही कर सकते हैं, हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। युग समझ जाता है कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती थी, वो किस तरफ इशारा करके उसे क्या समझाना चाहती थी। युग बात को बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए डायना से पूछता है,
तुम इस मलबे में वो किताब कैसे ढूंढोगी डायना? इतने सारे मलबे में उस किताब को ढूंढना काफी मुश्किल है। डायना युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे इस मलबे में वो किताब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है युग। युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ डायना से पूछता है, किताब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है डायना? हम यहाँ पर वो किताब ढूंढने के लिए तो आए हैं ना। डायना कहती है, हाँ युग, हम यहाँ पर वो किताब ढूंढने के लिए आए हैं, पर वो किताब इन मलबे में नहीं दबी होगी। अभी के ठीक होने के बाद मैंने उस किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया था ताकि वो किसी के हाथ न लगे, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उस किताब को कुछ नहीं हो सकता। युग फिर बोल पड़ता है, डायना तुमने वो किताब किसी न किसी कमरे में ही रखी होगी ना, तुम्हें दिख नहीं रहा? हवेली पूरी तरह ढह चुकी है और हवेली के ढहने के साथ ही उसके हर कमरे भी ढह गए हैं, और तुम कह रही हो कि वो किताब अब भी सही सलामत होगी, ये कैसे हो सकता है? डायना अपनी ये बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ युग, वो किताब सही सलामत ही होगी, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि उस किताब को मैंने हवेली के किसी कमरे के अंदर नहीं रखा था। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, अगर तुमने वो किताब कमरे के अंदर नहीं रखी थी तो फिर कहाँ रखी थी? डायना कहती है, वो किताब मैंने तहखाने के अंदर रखी थी युग। युग कहता है, क्या कहा, तहखाने के अंदर? डायना कहती है, हाँ तहखाने में, और उस तहखाने में जाने का रास्ता भले ही ऊपर वाले कमरे से था, पर वो तहखाना जमीन के अंदर ही है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, ठीक उस तरह जिस तरह अदृश्य कमरे में जाने का रास्ता रूम नंबर 666 से है, पर वो है जमीन के अंदर ही। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ यामिनी उसी तरह। अभिमन्यु डायना से पूछता है, अगर वो तहखाना जमीन के अंदर है तो फिर वो इस वक्त कहाँ पर है डायना? डायना कहती है, बस दो मिनट इंतजार करो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर डायना अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। जैसे ही वो मंत्र पूरा पढ़ती है उसकी चोटी में हलचल होनी शुरू हो जाती है, वो डोलने लग जाती है। देखते ही देखते डायना की चोटी लंबी होती है और वहां पर फैले मलबे के आसपास मंडराने लग जाती है। डायना की चोटी एक जगह पर आकर रुकती है और आसपास का मलबा हटाने लग जाती है, उस जगह को सपाट कर देती है, एक ही झटके में उस जगह का पूरा मलबा हटा देती है। इतना करने के बाद डायना की चोटी वापस से छोटी होकर उसकी पीठ पर लहराने लग जाती है। डायना अपने हाथ से उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो वो रहा अभी तहखाने में जाने का रास्ता, उसी तहखाने में मैंने अघोरी की किताब रखी है, बस वो मुझे मिल जाए फिर मैं कायर और कछुए का वशीकरण तोड़ दूंगी और फिर काले साए से लड़ाई में वो दोनों हमारे साथ होंगे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।